जय माता दी साथियों, मेरा नाम विश्वकर्मा। आज आपको अपने चैनल विश्वकर्मा में आज अतिथि भाइयों से लेकर एक महत्वपूर्ण वीडियो अतिथि भाइयों के संबंध में लेकर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा इस चैनल यह चैनल हमेशा अतिथि भाइयों के लिए सोचता रहा है और उनके लिए कार्य करता रहा है। ऐसा नहीं है कि इस चैनल में अतिथि भाइयों का, वैसे तो मैं अपने चैनल में जो कैंडिडेट फ्रेश लोग फ्रेश वाले व्यक्तियों ने संबद्धता का दिया है उसके उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि यह रिजल्ट आए और उनकी भी भर्ती हो, लेकिन विशेष रूप से इस वीडियो में अतिथि भाइयों के लिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 10-15 साल रेगुलर सेवाएं दी हैं और जो उन्हें सेवाएं दी है उन्होंने भरपूर प्रयास किया है कमलनाथ सरकार को लाने के लिए। तो सरकार का भी दायित्व है कि उनके जो वचन पत्र में कहा था वह पूर्ण करे। तो मैं आपको बता दूँ, इस चैनल में मैंने हमेशा अतिथि भाइयों के लिए बात की है, आज भी एक नया वीडियो इसी संबंध में लेकर आया। तो आपको बता दो, जितने भी अतिथि भाई हैं वह 5 सितंबर को भोपाल में शाहजहानी पार्क में तिरंगा एवं न्याय यात्रा रैली हो रही है, उसमें जरूर भाग लें। और एक यदि मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इस जो रैली हो रही है तिरंगा यात्रा है, इसमें यदि आप लोग अच्छे भरपूर सहयोग देंगे तो यह है जो यात्रा ये रैली है सफल होगी। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि इस रैली में आपके लिए कुछ ना कुछ आदेश जरूर होगा। मेरा एक मानना है जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, उस जानकारी के अनुसार है कि इस रैली में इस अतिथि का जो 5 सितंबर को रैली हो रही है या तो इस तिरंगा यात्रा में अतिथि भाइयों के लिए सरकार कुछ ना कुछ जरूर करेगी। मुझे तो यह भी जानकारी इसी कुछ माध्यमों से मिली है कि इस यात्रा में या तो 15 अंक के साथ साथ है जो भी अतिथि भाई पास हो गए उन्हें 15 अंक और नहीं तो उन्हें परमानेंट किया जाएगा, यह सुनने को मिल रहा है मुझे कुछ जानकारी के माध्यम। तो मैं अपनी जानकारी अब तक पहुंच रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ ऑथेंटिक है, मैं अपने जो जो मुझे प्राप्त हुई है जानकारी उसके अनुसार दे रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है मैं उसकी जानकारी दे रहा हूँ। हाँ, ये इतना जरूर कहूंगा कि यदि आप सभी लोग प्रयास करोगे और अधिक से अधिक संख्या में भोपाल में शाहजहानी पार्क में उपस्थित होगे तो आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। मैं तो अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने का और एकत्रित करने का कार्य कर सकता हूँ। जितना भरपूर मुझ प्रयास बनता है मैं अपने चैनल विश्वकर्मा के माध्यम से आप लोगों का प्रयास आप लोगों का सपोर्ट करता हूँ। यदि आपको लगता है कि आप आपका परमानेंट आदेश प्राप्त हो तो आप इसे रैली को सफल बनाने के लिए 5 सितंबर को शाहजहानी पार्क में जरूर पहुंचे। जय माता दी साथी।